सबका स्वागत है, मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रायगढ़ जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन एवं शेतकरी कामगार पक्ष खारगर द्वारा मुंबई विभागीय क्रॉस कंट्री चयन प्रतियोगिता का आयोजन, विधायक विवेक पाटिल ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। नगर पालिका द्वारा म्युनिसिपल यूनियन के कर्मचारियों को दिया गया सानुग्रह अनुदान। ईटीवी प्रस्तुत गौरव महाराष्ट्र का कार्यक्रम का विजेता वैभव थोरवे का पनवेल में किया गया स्वागत। और पनवेल स्थित हरिग्राम गांव के पास पाई गई एक महिला की लाश। महाराष्ट्र राज्य एथलेटिक्स संगठन रायगढ़ जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन एवं शेतकरी कामगार पक्ष खारगर के संयुक्त प्रयासों से मुंबई विभागीय क्रॉस कंट्री चयन प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को खारगर में किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विवेक पाटिल एवं जिला एथलेटिक्स संगठन के अध्यक्ष बालाराम पाटिल उपस्थित थे। 25 सितंबर को परभणी जिले में होने वाली राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए मुंबई विभागीय टीम का चयन मंगलवार को किया जाने वाला था, जिसके लिए ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई और रायगढ़ आदि विभागों के एथलीट्स खारघर में दाखिल हुए थे। इन खिलाड़ियों के लिए राज्य एथलेटिक्स फेडरेशन, जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन एवं शेतकरी कामगार पक्ष खारघर के संयुक्त प्रयासों से मुंबई विभागीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक विवेक पाटिल के हाथों हुआ। इस प्रतियोगिता के लिए जिला एथलेटिक्स संगठन के अध्यक्ष तथा रायगढ़ जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल, पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, प्रमोद भगत, पनवेल के नगराध्यक्ष संदीप पाटिल आदि गणमान्यों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर पंचायत समिति के सदस्य हरीश केणी, खारगर विभागीय शेकापक्ष के अध्यक्ष रामशेट करावकर, पुरोगामी युवा संगठन के अध्यक्ष गुरुनाथ गायकर, सरपंच मंजुला म्हात्रे, नामदेव म्हात्रे, संतोष तांबोली, प्रवीण खुटारकर, सत्याग्रह स्कूल के प्रधानाचार्य डोंगरकर आदि सहित शेकापक्ष के स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता, एथलीट्स एवं दर्शक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित एथलीट्स को संबोधित करते हुए जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल ने कहा कि इस चयन प्रतियोगिता के माध्यम से एथलेटिक्स की वो प्रतिभा उभर कर आई है जो भविष्य में हमारे राज्य का और देश का गौरव बढ़ा सकती है। विजेता हुए तमाम खिलाड़ियों के उत्थान के लिए और उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन बाध्य है, ऐसा प्रतिपादन बालाराम पाटिल ने किया। ज्या खेळाडूंची निवड विभागीय स्पर्धेसाठी झालेली आहे त्या साऱ्यांना शुभेच्छा देतो की आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी मुंबई विभागाला जास्तीत जास्त पदक मिळत केवळ महाराष्ट्र राज्य स्पर्धेवर आपण न थांबता नॅशनल मध्ये इंटरनॅशनल स्पर्धा मध्ये आपण चमकलं पाहिजे, त्या दृष्टीनं आपल्याला लागणारं सारं सहकार्य रायगड जिल्हा एथलेटिक्स असोसिएशन, रायगड जिल्हा परिषद आणि शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीनं केलं जाईल। या ठिकाणच्या कुठल्याही गुणवान खेळाडूला आर्थिक अडचण आहे म्हणून स्पर्धा मध्ये सहभागी व्हायला किंवा आपल्या क्रीडाविषयक प्रगतीला बाधा येणार नाही असा स्पष्ट यह चयन प्रतियोगिता चार विभागों में खेली गई, जिसमें 12 किलोमीटर की दौड़ में रायगढ़ विभाग के मनोज पाटिल पहले स्थान पर, प्रकाश ढसाले दूसरे तो अमय ठाकुर तीसरे स्थान पर रहे। 8 किलोमीटर महिलाओं की दौड़ में रायगढ़ विभाग की सुप्रिया पाटिल पहले स्थान पर रही। मुंबई उपनगर विभाग की दर्शना खांडेकर दूसरे तो ठाणे विभाग की प्रिया मारुति पाटिल तीसरे स्थान पर रही। 8 किलोमीटर की पुरुषों की दौड़ में मुंबई उपनगर विभाग के प्रवीण कंबाल पहले स्थान पर रहे, हितेश पटेल दूसरे स्थान पर तो ठाणे विभाग के सचिन करणुक तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 6 किलोमीटर की दौड़ में रायगढ़ विभाग की हीना माली पहले स्थान पर, पूनम माली दूसरे स्थान पर तो पूजा कोहली तीसरे स्थान पर रही। कुल मिलाकर कुल मिला के इस क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता पर रायगढ़ के ही धावकों का वर्चस्व रहा। कैमरामैन दत्ता के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल और चेतना वावेकर की रिपोर्ट। सुखापुर में स्थापित किए गए 21 दिन के भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे,
पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाचा नाथा तुझ नमो जिनके काम का उद्घाटन सोमवार को नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया। पनवेल स्थित श्री साई नारायण सोसाइटी की रहवासियों ने नगर पालिका के पास सोसाइटी के परिसर में पेवर ब्लॉक बिठाने की मांग की थी। मांग के अनुसार नगर पालिका द्वारा इस परिसर में पेवर ब्लॉक लगाए गए, जिसका उद्घाटन सोमवार को नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया। इस अवसर पर उपनगराध्यक्ष श्रीनंद पटवर्धन, बीजेपी की महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बालासाहेब पाटिल, नगरपालिका के मुख्य अधिकारी श्री पाटनकर, नगर सेवक रमेश गुड़ेकर, प्रदीप जाधव, बीजेपी के पनवेल शहर अध्यक्ष संजय गुरुजी, अच्युत मनोरे आदि गणमान्यों सहित सोसाइटी के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर बालासाहेब पाटिल ने नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष एवं नगर सेवकों की सराहना करते हुए कहा कि जब से नगरपालिका पर नई टीम कार्यरत की गई है, तब से पनवेल में विकास कार्य काफी तेज गति से हो रहा है। या ठिकाणी आज अपन सर्वानी बघितलं की श्री नारायण दर्शन ही एक सोसायटी या ठिकाणी आहे आणि या साई नारायण दर्शन या ठिकाणच्या सोसायटी आणि परिसरातल्या लोकांना आज जाण्यासाठी जो सातत्याने त्रास होत होता, चिखलामध्ये जावं लागत होतं, त्यामुळे या सगळ्या लोकांनी जेव्हा नगरपालिकेकडे मागणी केली, त्याच्यानंतर आमचे नगरसेवक प्रदीपजी जाधव, या ठिकाणी नगराध्यक्ष संदीप पाटील, उपनगराध्यक्ष नंदू पटवर्धन, आमचे सगळे नगर अच्युत मनोरे आहेत, या ठिकाणी रमेश गुडेकर आहेत, आणि आमच्या सगळ्या लोकांनी या ठिकाणी प्रयत्न करून या भेगा लगेच ताबडतोब या ठिकाणी पेवर ब्लॉकची मागणी मंजूर केली। आणि ह्या अडचणी अनेक असताना सुद्धा या ठिकाणी आपण बघितलं की पेवर ब्लॉकचे बसून झालेले आहेत। अशा अनेक शहरांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी मला असं वाटतं की जवळजवळ 50 ते 55 लाखापर्यंतचे पेवर ब्लॉक आपण अनेक रस्त्यांवरती अनेक गल्ल्यांमध्ये बसवलेले आहेत। ते काम जोरदार चालू आहे। मध्ये पावसामुळे थोडंसं काम थांबलेलं होतं, अनेक रस्त्याचं डांबरीकरण आता लगेच सुरू होत आहे, पावसामुळे तेही थांबलेलं होतं। आणि जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे 14 कोटीचे आपण काही महत्वाच्या रस्त्यांचं काँक्रीटीकरण सुद्धा आता लगेच सुरुवात करतोय। अशा पद्धतीनं नवीन टीम आल्यापासून, संदीपजी नगराध्यक्ष झाल्यापासून, नंदू पटवर्धन या ठिकाणी उपनगर झाल्यापासून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ही टीम नव्याने कामाला लागली आहे। ह्या नवीन पण ह्या सगळ्या पनवेलचं परिवर्तन जोरदार चालू आहे। मी प्रदीप जाधवांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो की अनेक कामं यांच्या माध्यमातून विभागामध्ये प्रचंड ताकदीनं झालेली आहेत। अनेक कामाचा पाठपुरावा करण्याची पद्धत ही त्यांची आहे, त्याच्यामुळे या संपूर्ण विभागामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम केलंय आणि त्यामुळे सगळ्या लोकांचं अतिशय चांगलं म्हणणं आल्यापासून मी बघितलं की यांना शाबासकी थाप या संपूर्ण लोकांनी दिलेली आहे। हा वॉर्ड कुणाचा आहे, वॉर्ड कुठला आहे, हा विषय न घेता मी एक नगरसेवक आहे, लोकांची जी काय मागणी असते ती मला पूर्ण केली पाहिजे, ह्या एका महत्वाच्या ध्येयानं झपाटलेल्या प्रदीप जाधवांनी अतिशय चांगलं काम केलं आणि अतिशय साथ या ठिकाणी आम्हाला संपूर्ण अध्यक्ष उपाध्यक्षापासून सगळ्या नगरसेवकांनी सगळ्या टीमची आम्हाला मिळते। या ठिकाणी प्रशासन सुद्धा नगरपालिकेचं चांगल्या पद्धतीनं आमच्या पाठीशी उभं,
है और मला खात्री है कि नवीन अध्यक्ष झाल्यापासून आता लगेच ह्या महिना दीड महिन्यामध्ये ह्या पनवेलचं चांगलं परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही। मी जेवढं काय सांगितलं रस्त्यांचं डांबरीकरण कॉन्क्रीटीकरण हे लगेच झाल्याशिवाय राहणार नाही एवढं त्या ठिकाणी सांगतो। आणि पुन्हा एकदा नगराध्यक्षांना आणि उपनगराध्यक्षांनी सगळ्या टीमला आणि प्रदीप जाधव यांना मी कामाच्या शुभेच्छा देतो। श्री प्रदीप जाधव यांना मी विनंती केली होती की आमच्या इथे रस्ता येण्याचा फार खराब झालेला आहे तरी तो तुम्ही तुमच्या ह्यातून करून दिला तर बरं पडेल, पण त्यांनी कुठल्याही प्रकारची कसूर न करता तातडीने तत्पर्य मंजूर करून आणि ताबडतोब रस्ता तो आम्हाला करून दिला त्याबद्दल मी प्रदीप साहेब यांचे आभारी आहे। तसेच यापूर्वी आम्हाला आमचे मित्र श्री नंदकुमार पटवर्धन यांनी ह्या रोडचे कॉन्क्रीटीकरण दिले होते त्याबद्दल त्यांचा पण मी आभारी। सात समुद्र पार रायगढ़ की गरिमा में चार चांद लगाने वाले कर्जत का रहीवासी तथा गौरव महाराष्ट्र का इस संगीत कार्यक्रम का विजेता वैभव थोरवे का पनवेल में बड़े ही धूमधाम के साथ स्वागत किया गया, जहां वैभव थोरवे को शुभकामनाएं देने के लिए पनवेलवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अपनी सुरीली आवाज से समूचे महाराष्ट्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाला ईटीवी प्रस्तुत गौरव महाराष्ट्र का इस संगीत में कार्यक्रम का कंटेस्टेंट वैभव थोरवे ने इस कार्यक्रम में सिर्फ जजो को ही अपना कायल नहीं बनाया तो पूरे महाराष्ट्र की जनता को भी अपना कायल बनाया। पहली बार मराठी का कोई रियलिटी शो परदेश में संपन्न हुआ जहां कलाकारों को अपनी प्रतिभा पूरे देश को दिखाने का अवसर मिला। गौरव महाराष्ट्र का इस रियलिटी शो की फाइनल हाल ही में दुबई में संपन्न हुई जिसमें कर्जत के रहने वाले वैभव ने बाजी मारते हुए गौरव महाराष्ट्र का खिताब हासिल किया। मंगलवार को वैभव दुबई से मुंबई दाखिल हुआ जो कर्जत जाते वक्त पनवेल में दाखिल हुआ। इस दौरान पनवेल स्थित महाराष्ट्र जिम द्वारा उसका शानदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिम के संस्थापक यशवंत भगत, उपाध्यक्ष प्रवीण अमृते, राजेंद्र भगत, विनोद साबले, अतुल जुंजारराव, ज्योति भगत आदि गणमान्यों सहित जिम के सदस्यों ने वैभव थोरवे को बधाइयां दी। इस दौरान हमारे प्रतिनिधि ने वैभव थोरवे के अब तक के सफर के बारे में बात की। गौरव महाराष्ट्र झाल्यानंतर आपली पहिली प्रतिक्रिया काय कसं वाटते? गौरव महाराष्ट्र झाल्यानंतर माझ्या मनामध्ये एकच की वैभव महाराष्ट्र हे झालं। त्याच्यानंतर मला ज्यांनी शिकवलं माझे गुरुजी भगवान महाराज आपटेकर, मी पहिलं शिक्षण त्यांच्याकडे घेतलं आणि दुसरं शिक्षण माझं आता चालू आहे कल्याणजी गायकवाड आळंदीचे। आणि विशेषतः माझ्या आईवडील आईबाबांनी जे मला सपोर्ट केला आहे त्यांचं मनपूर्वक आभारी आहे मी की मी त्यांच्यापोटी जन्म घेतला आहे की माझ्यासाठी खूप कष्ट घेतले त्यांनी। आणि माझे आजोबा खूप चांगले भजनकार होते आणि त्यांचा माध्यम धरूनच मी पावलापाऊल टाकून आज भजन क्षेत्रामधूनच आज या महाराष्ट्राच्या स्टेजवरती पोहोचलो आहे आणि आज गौरव महाराष्ट्राचा विनर झालो तर खूप मस्त वाटतंय। आणि तो विनर माझा नसून आपल्या पूर्ण रायगड जिल्ह्याचा विनर आहे। खूप मस्त वाटलं की आज पहिल्यांदा रियालिटी शोच आपला मराठी रियालिटी शो आज बाहेर देशामध्ये जातोय आणि ते खरं क्रेडिट ई टी व्हीला जात आहे की त्यांचं क्रेडिट आहे की आज त्यांनी आमच्यासाठी इतकी मेहनत केली ई टी व्ही की ह्या मुलांना काहीतरी आपल्या देशामध्ये नको आहे तर आपल्या पूर्ण बाहेर पूर्ण गेला पाहिजे दुसऱ्या देशात पण त्यांचं नाव गेलं पाहिजे पण त्या देशामध्ये पण इतका सपोर्ट मिळाला मला की वैभवच 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 नुसता वैभव प्रत्येकाच्या तोंडात। मी आज आपल्या महाराष्ट्राचा नसून देशाचा नसून दुबईचा पण झाला। तरुण पिढीला एकच माझं सांगणं आहे की तुम्ही ज्या क्षेत्रामध्ये असाल कुठलंही क्षेत्र असो की तुमचं आता आपण ज्या ठिकाणी बसलो आहे ती व्यायामशाळा आहे, कोणाला व्यायामची आवड असते किंवा एखाद्याला खेळाची आवड असते, कोणाला काही ॲज विश काही प्रॉब्लेम नाही, पण ज्याच्यामध्ये तुम्ही करताय ना त्याच्यामध्ये तुम्ही खरंच प्रावीण्य करा की मला हेच करायचंय मला ते टोक गाठायचंय बस याच्यामध्ये एवढंच करा तुम्ही बस एवढंच सांगणं माझं। वही जाते जाते वैभवने अपनी गायकी की एक झलक पेश की। हे आफताब हे महताब हे कायनात सब तेरा, शहरत का ताज गुरुबत की गाज सुर ताल साज सब तेरा, तेरा तुझे मैं सौंप दू कुछ भी नहीं है अब मेरा, परवरदिगार 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 परवरदिगार। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा, कर्नाळा नागरी सहकारी बँक।
संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखापरीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट वर आकर्षक व्याज दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबई द्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार 9:30 ते 5:30 आणि 2:30 ते 6:30 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड रतन मार्केट पहिला मजला टपाल नाका उरण रोड पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 2745-9111 2746-2700 आणि 3298-3363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुना हाईवे पर कोलके विलेज और पलस्पा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें जैसे टाटा की इंडिगो मांजा, इंडिगो सीएस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी जहाँ तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा. डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण. स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट. डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000 जास्त वस्तूंच्या व्हरायटी, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गार्मेंट सुद्धा. डी मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता
डी मार्ट प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 9E सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टैंक जवळ रोडपाली गाव रोड कळंबोली डी मार्ट। आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80 म्हणजे 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्ये ही कार्यरत आहे। डी मार्ट। क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं, या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइज़न हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान है, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइज़न हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए, तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइज़न हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइज़न हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइज़न हुंडई गट नंबर 33 पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज के पास पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 0226135999, सर्विस विभाग 0226135900 और हेल्पलाइन नंबर है 8898066000। काइज़न हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइज़न हुंडई की और दो शाखाएं अलीबाग और करजत में, तो अवश्य आइए काइज़न हुंडई में। बारवाई गांव में एक व्यक्ति की लाश पाई गई थी जिसकी गुत्थी सुलझाना अभी बाकी है। ऐसे में फिर एक बार पनवेल पुलिस के सामने एक चुनौती खड़ी हुई है जिसे सुलझाने के लिए पुलिस अथक प्रयास कर रही है। क्या है यह चुनौती, देखते हैं खबर विस्तार से। पनवेल तालुका अंतर्गत हरिग्राम गांव के पास सोमवार को एक 25 से 30 वर्षीय महिला की लाश पाई गई। हालांकि लाश को देखते ही यह ज्ञात होता है कि इस महिला की हत्या 3 दिन पहले ही की गई है। हम आपको बता दें कि लाश के पास खून से लथपथ एक पत्थर पाया गया है, जिससे पुलिस ये अंदाजा लगा रही है कि इसी पत्थर से इस महिला की हत्या की गई होगी। फिलहाल इस महिला की कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस हर तरफ से इस खून की गुत्थी सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि अब तो इस महिला की पहचान के बाद ही कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। पनवेल नगर पालिका द्वारा पालिका के म्युनिसिपल यूनियन के कर्मचारियों को सानुग्रह अनुदान मंजूर किया गया है, जिसके चलते इन कर्मचारियों ने नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, मुख्य अधिकारी एवं नगर सेवकों का धन्यवाद किया। पालिका के म्युनिसिपल यूनियन के कामगारों ने पालिका से मांग की थी कि उन्हें दिवाली से पहले सानुग्रह अनुदान दिया जाए, जिस पर नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने मुख्य अधिकारी एवं नगर सेवकों के साथ एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी के सहमति अनुसार यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों को सानुग्रह अनुदान दिया जाए। नगर पालिका द्वारा किए गए निर्णय का स्वागत करते हुए कर्मचारियों ने सोमवार को नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के कक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां यूनियन द्वारा नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, उपनगराध्यक्ष श्रीनंद पटवर्धन, मुख्य अधिकारी श्रीधर पाटनकर आदि सहित सभी नगर सेवकों को अभिनंदन किया गया।
अवसर पर अनुदान के बारे में नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने विस्तृत जानकारी दी। पनवेल नगर पालिके म्युनिसिपल लेबर युनियन यांच्या प्रतिनिधींनी नगरपालिकेला जो डिमांड टाकली होती सानुग्रह अनुदानाकरता, या संदर्भात नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, युनियनचे पदाधिकारी आणि सल्लागार ठाकूर साहेब, सर्व आमचे पक्षप्रतोद यांच्यासोबत आज बैठक झाली आणि एक चांगला निर्णय आज या बैठकीमध्ये घेण्यात आला। म्हणजे एकीकडे आपण गेली 2 दिवस सर्व वृत्तपत्रांमध्ये अनुभव घेत आहोत की मुंबई महानगरपालिकेमध्ये ज्या पद्धतीने कर्मचारी संपावर जाऊन लोकांना भेटीत धरण्याचा किंवा त्यांच्यामध्ये जो एक निर्णय प्रलंबित राहिलेला आहे त्याचा इफेक्ट आपल्या या नगरपालिकेतील नागरिकांवर पडू नये या उद्देशाने आधी बैठक आम्ही ताबडतोब आयोजित केली होती आणि एक चांगला निर्णय आज इथे घेण्यात आला। जवळजवळ गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त म्हणजे 10,000 रुपये एक सानुग्रह अनुदान दिवाळीपूर्वी देण्याचं या नगरपालिकेने आज मान्य केलेलं आहे। यामध्ये हा जो करार झालेला हा 2 वर्षाकरता लागू राहील, म्हणजे 11-12 आणि 12-13 या 2 वर्षांकरता हा करार लागू होणार आहे। तसेच कमीत कमी 240 दिवस च्या पुढे ज्या कर्मचाऱ्यांची प्रेझेंटी असेल त्यांना 100% अनुदान प्राप्त होणार आहे आणि 150 ते 239 दिवस ज्यांची ज्यांच्याबद्दल प्रेझेंटी राहणार आहे त्यांना याच्या 50% अनुदान देण्याचं आदेश मान्य करण्यात आलेलं आहे। आगामी नगरपालिकेच्या जनरल सभेच्या याच्यामध्ये याला मान्यता देऊन आम्ही हा एक चांगला निर्णय कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। जिल्हा क्रीडा परिषद एवं रायगड कबड्डी असोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में मुंबई विभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में से बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाने वाला है। कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में जिला क्रीड़ा परिषद एवं रायगढ़ कबड्डी एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से 3 दिवसीय मुंबई विभागीय स्तरीय कबड्डी चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता के लिए मुंबई, ठाणे, रायगढ़ तथा मुंबई उपनगर आदि विभागों के 66 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन 24 अक्टूबर को रत्नागिरी में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाने वाला है। इस प्रतियोगिता के बारे में जिला क्रीड़ा अधिकारी संजय महाडिक ने विस्तृत जानकारी दी। शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या माध्यमातून या विभाग स्तरीय कबड्डी स्पर्धेचं आयोजन आज कर्नाळा स्पोर्ट अकॅडमी या ठिकाणी करण्यात आलं आहे। ही जी स्पर्धा आहे मुंबई विभागाची स्पर्धा आहे आणि 11 संघ प्रति वयोगटातले असे टोटल 6 वयोगटामध्ये 66 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी होत आहेत। आता या स्पर्धेमधला जो विजयी संघ आहे जो 24 तारखेनंतर रत्नागिरी येथे राज्यस्तरीय जी स्पर्धा आहे त्या स्पर्धेसाठी आपल्या मुंबई विभागाचं प्रतिनिधित्व करणार आहे। 8 महापालिका आणि 3 जिल्हे असे 11 संघ प्रति या स्पर्धेमध्ये सहभागी होतात। गेली 2 दिवस आता या स्पर्धा चालणार आहेत। या स्पर्धेतून विजयी 6 संघ राज्यावर आपले सहभागी होणार आहेत। तसेच निवड चाचणीसाठी प्रति वयोगट 5 खेळाडू आपण या संघातून पाठवणार आहोत। इस अवसर पर सूर्यकांत ठाकूर, वासुदेव थेटे आदि सहित खिलाड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रायगढ़ जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन एवं शेतकरी कामगार पक्ष खारगर द्वारा मुंबई विभागीय क्रॉस कंट्री चयन प्रतियोगिता का आयोजन विधायक विवेक पाटिल ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। नगर पालिका द्वारा म्युनिसिपल यूनियन के कर्मचारियों को दिया गया सानुग्रह अनुदान। ई टीवी प्रस्तुत गौरव महाराष्ट्र का कार्यक्रम का विजेता वैभव थोरवे का पनवेल में किया गया स्वागत। और पनवेल स्थित हरिग्राम गांव के पास पाई गई एक महिला की लाश। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 2745733838। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।